एशिया कप को लेकर बीसीसीआई ने शुक्रवार को आधिकारिक रूप से टूर्नामेंट के मेजबानी अधिकार अमीरात क्रिकेट बोर्ड को सौंप दिए हैं। बीसीसीआई ने कहा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड और अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात के एशिया कप के 2018 चरण की मेजबानी के लिए एक समझौते पर दुबई में हस्ताक्षर किए गए, जिसमें बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व कार्यकारी सचिव अमिताभ चौधरी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी ने किया। बता दें कि अमीरात क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शेख नायान बिन मुबारक अल नायान ने उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे। टूर्नामेंट में छठी टीम एशिया क्रिकेट परिषद क्वालिफायर टूर्नामेंट की विजेता होगी। टूर्नामेंट का आयोजन 15 से 28 सितंबर तक अबू धाबी और दुबई में किया जाएगा। पहले इस टूर्नामेंट का आयोजन भारत में होना था, जिसमें बीसीसीआई मेजबानी की भूमिका में था, लेकिन पड़ोसी देश के बीच राजनीतिक हालात को देखते हुए पाकिस्तान की भागीदारी एक मुद्दा थी। बीसीसीआई पाकिस्तान की भागीदारी के लिए सरकारी सुरक्षा एजेंसियों से संबंधित मंजूरी हासिल नहीं कर सका। साल के शुरू में एशिया क्रिकेट परिषद ने इस टूर्नामेंट को संयुक्त अरब अमीरात में कराने का फैसला किया है, लेकिन भारत टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। बीसीसीआई के कार्यकारी सचिव चौधरी ने कहा, बीसीसीआई की तरफ से 2018 एशिया कप की मेजबानी के लिए हम अमीरात क्रिकेट बोर्ड के शुक्रगुजार हैं। मुझे भरोसा है कि पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रशंसक इस टूर्नामेंट के हर क्षण का आनंद उठाएंगे। नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।